हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सेल्फ ज्ञान और आज हम डिस्कस करेंगे कि इग्नू की जो बीएड की कट ऑफ लिस्ट है वो कितनी रहेगी और लगभग बीएड की जो लिस्ट है इतनी रहती है। एक लिस्ट विद मार्क्स दिखाएंगे हम एक रीजनल सेंटर की, तो आपको उससे अंदाज़ा हो जाएगा। हालांकि ये जो मेरिट लिस्ट है ये थोड़ा अलग टाइप से लग रही है मुझे भी, तो आप इसको देख सकते हैं। जैसा कि बार बार कॉमेंट आ रहा था कि हमें जो है एक भुवनेश्वर रीजनल सेंटर की कितनी रहने वाली है, कट ऑफ कितनी रहने वाली है, तो उसी के बेस पे मैं बड़ी मुश्किल से ये निकाला है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, इनकी लिस्ट काफ़ी बड़ी लंबी है। तो इसमें इन्होंने क्या है, प्रोविजनली सिलेक्टेड लिस्ट निकाली है एडमिशन की जो 2020 में हुए थे पिछले साल, तो उनका एक साल कंप्लीट हो गया है बीएड का। तो ये उनके रोल नंबर के साथ और उनका फॉर्म नंबर के साथ उन्होंने डेट ऑफ बर्थ के साथ लिस्ट निकाली है। तो ये जनरल कैटेगरी के लिए यहाँ पर लिस्ट लगी हुई है। इनका 80 मार्क्स से इनका शुरू हुआ है, तो सीरियल नंबर 1 से 8 इन्होंने शुरू किया है लिस्ट बनाना। तो 80 से जो जनरल की लिस्ट शुरू हुई, तो इनको प्रोविजनली इनको बुलाया है काउंसलिंग के लिए। उनको अलग अलग टाइम और अलग अलग डेट दिया हुआ है, जैसे 19 दिसंबर को इनको बुलाया था। तो हम देखते हैं कि जनरल के कितने स्टूडेंट को बुलाया है। तो 80 से मेरिट लिस्ट जो मार्क्स हैं वो शुरू हो गए थे टॉप में इनके, 80 से लेके। अब जब हम जनरल की मेरिट लिस्ट नीचे तक लेके जाते हैं तो ये लगभग हो जाती है, जनरल के जो स्टूडेंट बुलाए हैं इन्होंने वो बुलाए हैं, काफ़ी बड़ी लिस्ट है, 225 स्टूडेंट को उन्होंने प्रोविजनली बुलाया है और ये 70 तक लगाया है। तो 80 से लेके 70 तक इन जनरल की मेरिट लिस्ट लगी थी भुवनेश्वर के, जो वेटिंग लिस्ट को छोड़ के प्रोविजनली सेलेक्टेड कैंडिडेट की। तो उसके बाद जो है नॉन ओबीसी, जो नॉन क्रीमी लेयर है ओबीसी की, जो इस मेरिट लिस्ट है वो 69 से इन्होंने शुरू की थी। तो जब 69 से जो शुरू किए और ये एक सीरियल नंबर से इन्होंने शुरू किया, यानी कि 225 स्टूडेंट इन्होंने क्या है जनरल के बुला लिए। उसके बाद जो है ओबीसी के देखते हैं कितने बुलाते हैं, ओबीसी के 69 से लेके इन्होंने जो है 112 बुलाए हैं, 69 से लेके 67 तक 112 कैंडिडेट इन्होंने क्या है ओबीसी के नॉन क्रीमी लेयर के बुलाए हैं, 67 तक इनकी मेरिट लगाया है। उसके बाद एससी स्टूडेंट जो हैं उनकी जो कैटेगरी के जो हैं उनकी 69 से मेरिट लिस्ट शुरू हुआ, देखते हैं कितने स्टूडेंट को इन्होंने बुलाया है। और ये एससी के बुलाए हैं इन्होंने 64 कैंडिडेट और ये 61 तक इनका क्लोज हो गया, 61 तक इन्होंने बुलाया है 69 से 61। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप कहाँ तक आएंगे। उसके बाद एसटी कैटेगरी के जो स्टूडेंट हैं वो इन्होंने बुलाए हैं 68 से लेके अप्रोविजनली एडमिशन्स के लिए 68 से लेके और 35 कैंडिडेट को बुलाया 57 तक, 68 से लेके 57 तक। और जो पीएच है फिजिकली हैंडीकैप, उनका जो है पीएच जो है वो हो गया 67 से लेके और ये 52। और ये दूसरा जो ओबीसी के कुछ कैंडिडेट बुलाए हैं ये बुलाए हैं 54 तक और उसके बाद 64 से, ये जो 64 से जो है फिजिकली हैंडीकैप का 54 तक लिया है, ठीक है, और ये 53 तक भी है, ठीक है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इकोनॉमी ईडब्ल्यूएस का जो मेरिट लिस्ट है काफ़ी डाउन गया है, 69 से शुरू किया इन्होंने और इन्होंने बुलाए हैं इनके 47 कैंडिडेट 61 तक। तो काफ़ी अच्छी ये मेरिट लिस्ट बनी है। तो इन्होंने बताया है बाद में कि लिस्ट ऑफ द वेटिंग लिस्ट जो कैंडिडेट है वो अपलोड की जाएगी फ्रेश एडमिशन के बाद, फर्स्ट एडमिशन साइकिल पूरा होने के बाद। मतलब इनमें कुछ स्टूडेंट के डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं होंगे, कुछ और होगा मैटर्स, कोई फीस जमा नहीं करेगा, तो इस तरीके से जो इस लिस्ट से बाहर हो जाएंगे, काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे, जो बचे हुए स्टूडेंट हैं उनकी वेटिंग लिस्ट के लिए उनको बुलाया जाएगा। तो इसमें बताया गया है कि आपको अपनी क्या एप्लीकेशन फॉर्म लेके आना है, ठीक है, और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आपको दिखाने हैं, कैटेगरी सर्टिफिकेट वगैरह, डेट ऑफ बर्थ वगैरह सब सही होना चाहिए, और आपको ऑफर जो लेटर दिया है वो लेके आना है, और 55,000 रुपये की जो फीस का डीडी है वो लेके आना है। तो ये सब चीज़ें आपको लेके आनी है और ये एक दो फॉर्म और दे के रखा है, ऑफर लेटर इसमें दिया हुआ है कि आप जो है प्रोविजनली सिलेक्टेड कैंडिडेट हो, आपको जो है बुलाया। तो आशा करता हूँ जो भुवनेश्वर या उड़ीसा के आसपास के स्टूडेंट हैं उनकी मेरिट लिस्ट का उनको पता चल गया होगा।
और जो दूसरे और भी कोई रीजनल सेंटर अगर चाहता है कि भाई हमारी मेरिट लिस्ट के बारे में बताए तो कमेंट कर सकते हैं। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, और इसी तरीके की इग्नू से रिलेटेड जो नॉलेज है वो आपको मिलती रहेगी। और आप कमेंट करके बताओ कि आपके कौन से रीजनल सेंटर के हैं और आपको कहाँ की मेरिट लिस्ट के बारे में वीडियो चाहिए। आशा करता हूँ ये वीडियो काफ़ी अच्छा रहा होगा। थैंक यू।